हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले हैं फील्ड ऑफ डाइपोल इनसाइड कैविटी E3, यानी कि जो फील्ड आपके एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर, कैविटी के अंदर, जिसको हम दिया था फील्ड E3। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन एटम। अभी इसके जो बाकी लेक्चर्स हैं वो हमें पता है, हम पहले ही कर चुके हैं। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट बात, जो लोग नए कनेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है एक्चुअली चैनल के बारे में, आप इन स्पाइट ऑफ वीडियोस गो टू प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको हर इंडिविजुअल फिजिक्स की, हर इंडिविजुअल ब्रांच की अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पे आपको थ्योरी एंड MCQ हर तरीके की वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगी। फर्स्ट गो टू प्लेलिस्ट एंड चेक द वीडियोज़ विच यू वॉन्ट। एंड वन मोर थिंग, आप बाय कमेंट सेक्शन हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस चाहिए। वी विल प्रोवाइड इट सून एज पॉसिबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक इज़ फील्ड ऑफ डाइपोल इनसाइड द कैविटी E3। हमने बाकी जो तीनों फील्ड हमारे E0, E1, E2, ये सब हम डील कर चुके हैं, ठीक है। वो आपको सजेशन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो E3, द फील्ड E3 ड्यू टू डाइपोल्स विद इन द कैविटी इज द ओनली टर्म विच डिपेंड ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपने बात की थी अदर फील्ड्स की, वो आपकी या तो आपके डायलैक्ट्रिक के बाहर एग्जिस्ट कर रही थी, या अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, या इसकी सरफेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जो ये हमारी फील्ड है E3, ये एग्जिस्ट करती है इसकी सरफेस के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमारी फील्ड क्या एग्जिस्ट करती है, E3, ठीक है। तो जो भी एटम आप ले रहे हो, तो उसके बिल्कुल अंदर, स्फेरिकल कैविटी के अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वो है हमारी E3 फील्ड। सो इसीलिए कहा गया है द E3 फील्ड इज़ द फील्ड जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है, जो कि आपकी विद इन द कैविटी फील्ड है वो। नेक्स्ट इज द फील्ड ड्यू टू डायपोल्स हैविंग मोमेंट P एट पॉइंट R फ्रॉम द सेंटर इज। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो किसी सेंटर से आर डिस्टेंस अवे, आर रेडियस अवे है, एंड जिसके पास क्या है, मोमेंट पी, तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4π∈R⁵ (3P·r)·r −P·r²। अभी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जो किसकी वजह से होती है, डायपोल्स की वजह से, जिनकी मोमेंट पी है एंड वो आर डिस्टेंस अवे है सेंटर से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये हमने डिराइव नहीं की है, ये हमने डायरेक्ट पुट की है। इन केस आपको पता है ये वैल्यू कैसे आई है, तो वेल एंड गुड है। इन केस आपको नहीं पता, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो वी विल अपलोड अवर नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। ओके, नाउ सपोज ऑल आइटम विद इन द कैविटी आर रिप्लेस्ड बाय पॉइंट डाइपोल्स पैरेलल टू ईच अदर। अब मान लेते हैं कि आपके जो जितने भी डाइपोल्स थे, एटम्स थे, वो सारे के सारे क्या कर लिए गए हैं, पॉइंट डाइपोल्स मान लिए गए हैं, जो कि पैरेलली एक दूसरे के लाई कर रहे हैं। अब आपको कोई भी फील्ड बतानी है E3, जो आप मेज़र करना चाहते हो, जहाँ पे हमने डायरेक्शन क्या ली है, डाइपोल एक्सिस की, जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये जो फील्ड हमारी थी, इसके अंदर ये वाला पार्ट तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी फील्ड होती है वो किस पर डिपेंड करती है, summation 3 pi z³ - pi r² / r⁵. ये भी r आई है, ठीक है। अभी जो आपका ये r था, ये तो आपने वो डायरेक्शन ले ली जो कि आपकी क्या थी, सॉरी, ये 2 है, स्केयर है पावर, नॉट क्यूब, दिस इज़ द स्केयर। अभी आप i की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फिलहाल z एक्सिस के अबाउट मान रहे हो, यहाँ पे इन केस आप x या y के अबाउट मानो, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए हमने डायरेक्ट ना लिख के क्या यूज़ किया है, i, ठीक है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होना कि 1/4π∈R कॉन्स्टेंट था, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसलिए हमने इसको साइड कर दिया। एंड यहाँ पर हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो z के अंदर चेंज आ रहा है समेशन की फॉर्म में, ठीक है। अभी जिस तरीके से हमने z डायरेक्शन के अंदर ये वैल्यू निकाल ली है, सिमिलर तरीके से हमें y या z x के केस में भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि z²/r⁵ summation i का हो रहा है, जहाँ पे वो इक्वल है y
आई स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 5 सिमिलर तरीके से लिख सकते हैं, इसका भी समेशन ले लेंगे। सिमिलर तरीके से हम समेशन लिख सकते हैं एक्स के केस में भी, एक्स आई स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 5, ठीक है। इसका मतलब आप तीनों ही डायरेक्शन में इजीली इस चीज़ को लिख सकते हो क्योंकि सिमेट्री हो रही है। तो यहाँ से हम एक वैल्यू और लिख सकते हैं, वो क्या, आप अगर निकालो यहाँ से आर की वैल्यू। अब आर के अंदर आपके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट शामिल हैं, तो आर की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, 5 = 3। अब यहाँ पे जेड लेके चल रहे हैं तो जेड आई स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 5। अभी ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये जो z है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो x भी उतना ही है, y भी उतना ही है, z भी उतना ही है, तो तीनों की मल्टीप्लाई, z की वैल्यू निकाली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब तीनों की वैल्यू आ चुकी है, जो कि आपकी सिंपली क्या है, r, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, e की वैल्यू हमारे पास थी डायपोल्स के, जब मोमेंट आपके पास p है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या किया, ये कॉन्स्टेंट पार्ट को इग्नोर कर दिया एंड यहाँ पर हमने z एक्सिस के अबाउट डाइपोल के एक्सिस ले लिए, तो हमारा जो ये पोजीशन वेक्टर था ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, z में, ठीक है। एंड फिर हमने देखा कि आपकी जो एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स के केस में आपकी सिमेट्री हो रही है लैटिस की, तो तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। इस वजह से हमने जो कंप्लीट रेडियस थी जो कि इन तीनों का समेशन है, उसको हमने क्या किया, z की वैल्यू पुट करके 3 से मल्टीप्लाई, ओके। अभी वन मोर थिंग, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, आप या तो स्फीयर ले रहे हो या क्यूब ले रहे हो, यानी कि जो आपके सिमेट्रिक है केस, उनके लिए E3 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो तीनों क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आपका पास केस है मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, तो उस टाइम पे आपकी E3 की वैल्यू 0 नहीं होगी। और E3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अभी हमने देखा। सो, हमारी जो ई लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी कि लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन एटम, जो कि हमारी क्या थी, समेशन ई नोट प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। अब यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं क्यूबिक का, जो कि क्या है, सिमेट्रिकल, तो इस वजह से E3 की वैल्यू तो क्या होगी, 0। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल E+P/ε0। E1 की वैल्यू क्या आई थी, -P/ε0, एंड बचा हमारा E2। E2 की वैल्यू क्या आई थी, P/3ε0। E3 यहाँ पे 0 हो चुका है, लेकिन इनके इस E3 की वैल्यू है तो आप वो भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा E+P/3ε0। सो आपकी सिमेट्रिकल केस के लिए ई लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, E+P/3ε0। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉरेंज रिलेशन। अभी ये जो E0, E1, E2 इन सब की वैल्यू हमने पुट की है, ये हमने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट कर ली है। सो इनकेस आपको याद नहीं है तो आप एक बार वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, कैसे आई है, ठीक है। सो, यहाँ से हमें पता चल गया, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जब भी आप किसी एटम के ऊपर जो कि डायलैक्ट्रिक के अंदर लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो अलग अलग तरीके की फील्ड काम करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उन सब फील्ड्स को कैलकुलेट अलग अलग करके हमने निकाला कि आपकी जो उस पर्टिकुलर एटम पर लाई करती है वो है आपकी E+P/3ε0। किस केस में, सिमेट्रिकल केस में, क्योंकि आपकी सिमेट्री की वजह से E3 की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट, एंड इवन उससे पहले हम डील कर लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस। सो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।